क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे इससे पहले हमने दो वीडियोस को डिस्कस किया है यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं आज के इस वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू इफ यू वांट पीडीएफ ऑफ दिस क्वेश्चंस यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल और वहाँ से आप इन क्वेश्चन की पी को प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द टर्म डिस्टोपिया इम्प्लाइज आपको सिंपली बताना है ये जो डिस्टोपिया है इसका मतलब क्या होता है फर्स्ट है प्लेजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड सेकेंड अनप्लेजेंट रियल वर्ल्ड थर्ड है प्लेजेंट रियल वर्ल्ड फोर्थ है अनप्लेजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड करेक्ट आंसर इसका डी होता है अनप्लेजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड होता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड हु फर्स्ट यूज द फेज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इन द बुक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी ये कहना चाहते हैं एक बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी उसमें सबसे पहले किस राइटर ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक को यूज़ किया था फर्स्ट है सिंगमन फ्रॉयड सेकेंड है विलियम जेम्स थर्ड है सी जी जंग फोर्थ है जेम्स जॉयस करेक्ट आंसर इसका बी होता है विलियम जेम्स की एक बुक है जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी और इसी बुक में इन्होंने सबसे पहले इस टेक्निक का प्रयोग किया था नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड वट डज द टर्म करटेन रेजर इंडिकेट्स इन द ड्रामा ये जो टर्म है करटेन रेजर ये ड्रामा में क्या इंडिकेट करता है फर्स्ट है वन हु रेजेस रेजरटे सेकेंड अ मॉडर्न ऑफ सीरियस नेचर थर्ड सुपर नेचुरल एजेंसी इन ड्रामा विच रिवील समतुथ फोर्थ है अ शॉर्ट प्ले बिफोर द मेन प्ले करेक्ट आंसर डी होता है ये इंडिकेट करता है एक शॉर्ट प्ले बिफोर द मेन प्ले नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ द फेमिनिस्ट मूवमेंट इन लिटरेचर हैज़ नॉट कंसनट्रेटेड ऑन ये कहना चाहते हैं कि जो लिटरेचर में फेमिनिस्ट मूवमेंट था वो किस चीज़ पे कंसनट्रेट नहीं हुआ था फर्स्ट है द रोल प्लेड बाय लिटरेचर टू सपोर्ट जेंडर आर डिस्क्रिमिनेशन सेकेंड द डिफरेंस इन द वेज इन विच वर्कस ऑफ मेल राइटर्स एंड फीमेल राइटर्स हैव रिप्रेजेंटेड जेंटर डिस्क्रिमिनेशन थर्ड है एक्सेप्टिंग पैट्रियार्कल नॉम्स एंड अधेयरिंग टू डेम इन दियर राइटिंग्स और डी है रीजनस फॉर लेसर सिग्निफिकेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ विमेन राइटर्स इन द लिट्रेरी ट्रेडिशन करेक्ट आंसर इसका सी होता है एक्सेप्टिंग पैट्रियार्कल नॉम्स पैट्रियारकल नॉम्स को एक्सेप्ट कर रहे थे एंड अधेयरिंग टू डेम और उसी से वो चिपके रहे थे उसी को फॉलो कर रहे थे अपने राइटिंग में तो ये इसका सही नहीं है बाकी सारे सही हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ मिल्टन वेंट ब्लाइंड इन आपको बताना है कि जॉन मिल्टन कब ब्लाइंड हो गए थे फर्स्ट है 1642, सेकंड टू सेकेंड है सिक्सटीन थर्ड है 1646, फोर्टी सिक्स फोर्थ है सिक्सटीन फिफ्टी एट करेक्ट आंसर इसका भी है क्वेश्चन इज सिक्स हु वॉज अपॉइंटेड एज एन असिस्टेंट ऑफ मिल्टन मिल्टन का असिस्टेंट किसे नियुक्त किया गया था फर्स्ट है जॉन सकलिंग सेकंड है रिचर्ड लवलेस थर्ड है अब्राहम कोले फोर्थ है एंड्रयू मार्वेल करेक्ट आंसर डी होता है एंड्रयू मार्वेल नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवंथ इन 1687 एट्टी सेवन ड्राइडन पब्लिश अ पोलिटिकल डिफेंस ऑफ द चर्च ऑफ रोम इट वॉज कॉल्ड ये कहना चाहते हैं सिक्सटीन एट्टी सेवन में जॉन ड्राइडन ने यह वर्क एक वर्क पब्लिश किया था डिफेंस ऑफ चर्च ऑफ रोम के नाम से इसे क्या कहा जाता है फर्स्ट है रिलीजियो लेसी सेकंड है द मेडल थर्ड है एप्सलम एंड एक्टोफल फोर्थ है द हिंड एंड पैंथर करेक्ट आंसर डी होता है द हिंड एंड पैंथर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एर्थ वेन वॉज ड्राइडन मेड पोएट लॉरेट आपको बताना है कि जॉन ड्राइडन को कब पोएट लॉरेट बनाया गया था फर्स्ट है 1666, सिक्सटी सेकेंड है 1668, सिक्सटी एट थर्ड है सिक्सटीन सिक्सटी सेवन फोर्थ है सिक्सटीन सिक्सटी नाइन करेक्ट आंसर इज बी सिक्सटी सिक्सटी एट नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइन्थ ऐसे ऑन मैन वॉज रिटन बाय ऐसे ऑन मैन ये किसके द्वारा लिखा गया था फर्स्ट है पोप सेकेंड सिडनी थर्ड ड्राइडन फोर्थ जॉनसन करेक्ट आंसर इज फर्स्ट पोप नेक्स्ट इज टेंथ एसे ऑन क्रिटिसिज्म वॉज रिटन बाय एसे ऑन क्रिटिसिज्म ये किसके द्वारा लिखा गया था फर्स्ट है पोप सेकेंड है सिडनी थर्ड ड्राइडन फोर्थ जॉनसन करेक्ट आंसर इज ए पोप यानी कि ये दोनों ऐसे ऐसे ऑन मैन और ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म दोनों अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखे गए थे एक है है। जो कि के द्वारा लिखी गई आपको बताना है ये ये जो Abbey होता है किस रिवर के बैंक पर सिचुएटेड है फर्स्ट है टेम्स सेकंड है एमेजोन थर्ड है वाई फोर्थ है ओरल करेक्ट आंसर इसका सी है वाई नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्वेल्व ऑल गुड पोएट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग वे डिड वर्सवत से दिस ये जो लाइन है ये विलियम वर्सवत के द्वारा कही गई है और इस लाइन को विलियम वर्सवत ने कहाँ पर मैंशन किया है फर्स्ट है इन अ लेटर टू कॉल रिच सेकेंड है इन द प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट थर्ड है इन द एडनबर्ग रिव्यू फोर्थ है इन द इंट्रोडक्शन टू द प्रूलोड करेक्ट आंसर इसका बी होता है इन इन द प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट यानी बी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्टीन रोड अलास्टर अलास्टर एक पोएम है किसके द्वारा लिखा गया है फर्स्ट है थॉमस कैंप वेल सेकेंड कीट्स थर्ड बैरन फोर्थ शेले सही आंसर इसका डी है पी बी शेले के द्वारा लिखा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्टीनथ शेले वॉज कॉल्ड मैड शेले बाय शेले को मैड शेले किसके द्वारा कहा जाता था फर्स्ट है स्कूल मेट्स सेकेंड है हैरियट बेस्ट ब्रूक थर्ड है मैरी शैले फोर्थ है लॉर्ड बैरन करेक्ट आंसर इज फर्स्ट स्कूल मेट्स के द्वारा इनको मैड शैले कहा गया था नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्टींथ हु सेड इफ पोएट्री कम्स नॉट नेचुरली एज लिवस टू ट्री इट हैड बेटर नॉट टू कम एट ऑल किसने कहा था कि पोएट्री यदि नेचुरली नहीं आती है जिस तरह से पेड़ में जो है लीव्स आती हैं तो अच्छा होगा कि आए ही ना फर्स्ट है सिडनी सेकंड है कीट्स थर्ड है जॉनसन फोर्थ है वर्सवर्थ करेक्ट आंसर बी होता है जॉन कीट्स ने कहा था नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्सटीन्थ कीड्स डिस्क्राइब नेगेटिव कैपेबिलिटी इन अ लेटर टू नेगेटिव कैपेबिलिटी एक टर्म है जिसको जॉन कीट्स ने इंट्रोड्यूस किया था आपको बताना है कि इन्होंने सबसे पहले कहाँ पे यूज़ किया था फर्स्ट है जॉन टेलर सेकंड है हैमिल्टन रेनोल्ड थर्ड है वॉर्सवर्थ फोर्थ है जॉर्ज एंड टॉम कीट्स तो इन्होंने एक लेटर लिखा था जॉर्ज एंड टॉम कीट्स में उस उसी में इन्होंने सबसे पहले, पहले इंट्रोड्यूस किया था इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवेंटीन आइडल्स ऑफ किंग बाय टेनिसन कंप्राइजेस ऑफ ये जो आइडल्स ऑफ किंग है जो कि लिखा गया है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा इसमें कितनी पोएम्स है फर्स्ट है फोर्थ सेकेंड है एट थर्ड है ट्वेल्व फोर्थ है ट्वेंटी करेक्ट आंसर इसका सी होता है इसमें ट्वेल्व पोएम्स हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज एटीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ आइडल्स ऑफ किंग आपको बताना है कि आइडल्स ऑफ किंग का कौन सा पार्ट नहीं है तो फर्स्ट इसका जो होता है इलेन सेकंड है ग्रीनवियर थर्ड है जेनी फोर्थ है विवियन सही आंसर सी होता है जेनी इसका पार्ट नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइनटीन लिटरेचर एंड डॉगमा इज रिटन बाय लिटरेचर एंड डॉगमा किसके द्वारा लिखा गया है फर्स्ट है मैथ्यू आर्नोल्ट सेकेंड है टी एच हक्सले सी है जॉन रस्किन फोर्थ है थॉमस कार्लिल सही आंसर इसका ए है मैथ्यू आर्नोल्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ट्वेंटी इन विच ऑफ Dickens' नावल से डज द चाइल्ड हीरोइन Nell figure? फिगर ये कहना चाहते हैं चार्ल्स डिकन की कौन सी एक नॉवल है जिसमें जो हिरोइन होती है लिट नेल ये आती है या यूज़ की गई है फर्स्ट है ओल्ड क्यूरसिटी शॉप सेकेंड है डेविड कॉपर थर्ड है ब्लीक हाउस फोर्थ है ग्रेट एक्सपेक्टेशन करेक्ट आंसर इज़ फर्स्ट ओल्ड क्यूरोसिटी शॉप नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्वेंटी फर्स्ट सीसी ज्यूब इज़ अ करेक्टर इन सीसी ज्यूब एक कैरेक्टर है जो कि यूज़ किया गया है चार्ल्स जिकर की एक नॉवल में नॉवल का नाम बताना है फर्स्ट है हार्ड टाइम्स सेकंड है मिडल मैच थर्ड है ज्यूड द ऑफ्सक्योर फोर्थ है डेविड कॉपरफील्ड करेक्ट आंसर फर्स्ट होता है हार्ड टाइम्स में यूज किया गया है कैरेक्टर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्वेंटी सेकेंड फाइनली इन ज्यूड द ऑप्सक्योर ज्यूड रिटर्न टू द टू आर्च इविल्स ऑफ हिस लाइफ ये कहना चाहते हैं जूड द ऑब्सक्योर में जो जूड होता है वो आखिर में दो बुराइयों की तरफ लौटता है वो कौन कौन सी हैं अपनी लाइफ की

तो कहता है कि हम लोग कई सारे ये कहकर मार देता है वो कौन सा कैरेक्टर होता है जूड में फर्स्ट है फ्लोरसन सेकंड है अराबेला थर्ड है फादर लिटिल फादर टाइम फोर्थ है सी करेक्ट आंसर सी होता है लिटिल फादर टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्वेंटी फोर विच एक्सप्लेनेशन ऑफ दत्ता दयादव दमयत्ता विच यू इलियड इन्वर्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल सीम्स मोस्ट सुटेबल टू यू ये कहना चाहते हैं इसमें जो तीन टर्म्स यूज किए हैं संस्कृत के हैं है, दत्ता हो गया दूसरा दैद विम हो गया और दम यता ये तीन टर्म्स संस्कृत के हैं इसकी मीनिंग क्या होती है फर्स्ट है गिविंग कंपैशन कंट्रोल सेकंड है टेकिंग कंपैशन कंट्रोल थर्ड है अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिस कंट्रोल फोर्थ है सेल्फ कंट्रोल गिविंग ट्रांसफॉर्मेशन करेक्ट आंसर फर्स्ट होता है गिविंग कंपेशन एंड कंट्रोल नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्वेंटी विच इंडियन लैंग्वेज प्लेज अ पार्ट इन द वेस्टलैंड वेस्ट लैंड में कौन सी इंडियन लैंग्वेज यूज़ की गई है फर्स्ट है मराठी सेकेंड है हिंदी थर्ड है संस्कृत फोर्थ है उर्दू करेक्ट आंसर सी होता है संस्कृत यूज़ की गई है और उसमें लास्ट में यूज़ किया गया है शांति शांति करके सो सी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्वेंटी सिक्स द ब्रोकन वॉल द बर्निंग रूफ एंड टॉवर एंड एगम नन डेड ये जो वर्ड्स हैं ये डब्ल्यू बी एड्स के किस पोएम में यूज़ किए गए हैं आपको बताना है तो फर्स्ट है द सेकेंड कमिंग सेकेंड है लेटा एंड द स्वान थर्ड है ईस्टर नाइनटीन सिक्सटीन फोर्थ है सेलिंग टू बाई सेंटियम सही आंसर इसका बी होता है और इस पोएम की स्टोरी कुछ इस तरह होती है जो लेडा होता है स्वान उसका रेप करता है जिससे एक बेटा पैदा होता है एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम हेलेन होता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्वेंटी सेवन्थ ईस्ट रिसीव द नोबल प्राइज़ फॉर लिटरेचर आपको बताना है डब्ल्यू बी ईर्ट्स ने नोबल प्राइज लिटरेचर के लिए कब प्राप्त किया था फर्स्ट है 1921, सेकंड है 1923, थर्ड है 1922, फोर्थ है 1924. करेक्ट आंसर इज बी 1923. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28. एट विस्ट ट्वेंटी सेंचुरी प्ले राइट प्रोपाउंडेड हिज थेरी ऑफ लाइफ फोर्स ये जो थेरी ऑफ लाइफ फोर्स है इसका प्रतिपादन किसने किया था फर्स्ट है जे बी सेकंड है हेनरिक इप्सन थर्ड है जे एम सिंजे फोर्थ है टी ए सी करेक्ट आंसर फर्स्ट है जे बी शॉ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्वेंटी नाइन्थ मैच द करेक्टर एंड द वर्क इन विच दे अपीयर ये जो कैरेक्टर दे रखे हैं उनके वर्क दे रखे हैं आपको मैच करना है इसमें तो ये जो फर्स्ट है ये सारे कैरेक्टर हैं और ये वर्क हैं इनको आप मैच करके देखेंगे तो ये सारा जब मैच करेंगे तो इसका फर्स्ट सही आंसर होगा मैच करके देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्टियथ मुल्क्रास आनंद अपोलजी फॉर डेडिकेटेड टू मुल्क्रास आनंद की जो अपोलजी फॉर हेरोइजम है ये किसको डेडिकेट की गई है फर्स्ट है महात्मा गांधी सेकंड है जे एल नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू थर्ड है डॉक्टर राधा कृष्णन फोर्थ है लाला हरदयाल सही आंसर इसका बी है जवाहरलाल नेहरू नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्टी फर्स्ट विच ऑफ दीज वॉज मुल्क्रास आनंद फर्स्ट नॉवल मुल्क राज आनंद की फर्स्ट नॉवल कौन सी है फर्स्ट है कूली सेकंड है अनटचेबल थर्ड है टू लीव्स एंड अ बर्ड फोर्थ है द विलेज करेक्ट आंसर बी अनटचेबल नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्टी टू चूज द करेक्ट आंसर आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन इन विच ऑफ द पोएम डज नि एजिकेल डिपिक्ट मूविंग पिक्चर ऑफ द सफरिंग ऑफ अ मदर सिंपली ये कहना चाहते हैं कि निस्म एजिकेल किस पोएम में अपनी मदर की सफरिंग को डिस्क्राइब कर रहे हैं फर्स्ट है द कबल सेकंड है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन थर्ड है द विजिटर फोर्थ है फिलासफी से आंसर बी होता है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इस पोएम पे हमने डिटेल में वीडियो बनाई है और ये पोएम आपको मिल जाएगी मिल जाएगी एल्टी ग्रेड नाम की प्ले है उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्टी हु अमंग द फॉलोइंग पॉर्ट्स रोड द एस ए नाइपोल इंडिया एंड माइन नाइपॉल इंडिया एंड माइन ये ऐसे किसके द्वारा लिखा गया है फर्स्ट है कमला दास सेकेंड है आर पार्थासारथी थर्ड है आर के रामानुजन फोर्थ है निसम एजिकेल करेक्ट आंसर इज डी निम एजेल नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्टी फोर द अमेरिकन बेस बॉल प्लेयर हुईज सेंटियागोज फेवरेट अमेरिका एक अमेरिका के एक बेस बॉल प्लेयर होता है जो कि सेंटियागो का फेवरेट होता है वो कौन है फर्स्ट है मैक्सवेल पार्किन सेकंड है रेमंड शेफर्ड सी है जो डिमागियो और डी है ग्रेगोरियो फ्यूंटेज सही आंसर इसका सी होता है जो डिमागियो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्टी फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नॉट बाय टैगोर कौन सा एक प्ले है जो कि रवींद्रनाथ टैगोर के द्वारा नहीं लिखा गया है फर्स्ट है चंदालिका सेकंड है रेड ओलियडर्स थर्ड है मुक्का दारू फोर्थ है वसा वदुत्ता सही आंसर डी होता है वसा वदुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ थर्टी सिक्स हया वाना वॉज रिटन इन आपको बताना है कि जो हया वदाना है इसको कब लिखा गया था फर्स्ट है 16, नाइनटीन सिक्सटी फोर सेकेंड नाइनटीन सिक्सटी सेवन थर्ड है नाइनटीन वन फोर्थ है नाइनटीन फाइव करेक्ट आंसर इज सी नाइनटीन वन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ थर्टी सेवन सोमरसेट अ करेक्टर बेस्ड ऑन इंग्लिश राइटर विलियम सोमरसेट मैगम अपीय इन सोमरसेट एक कैरेक्टर है जो कि बेस्ड है ये कैरेक्टर कहना चाहते हैं ये कैरेक्टर बेस्ड है और किस पे बेस्ड है एक इंग्लिश राइटर विलियम सोमरसेट मैगम पर बेस्ड है ये किस में अपियर होता है आपको बताना है फर्स्ट है the ऑफ अराइवल सेकेंड है द मिनिक मैन थर्ड है अ बेंड इन द रिवर फोर्थ है हाफ आ लाइफ करेक्ट आंसर डी है हाफ आ लाइफ नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्टी एट चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ फ्रेजेज ऑफ क्रिटिसिज्म क्रिटिसिज्म के फ्रेज दे रखी इसका सही सिक्वेंस का है फर्स्ट है हेलनिक ग्रे ग्रेको रोमन मेडियबल रेनेसा और सेकंड है ग्रेको रोमन हेलेनिक, मेडियबल रेनेसा थर्ड है मेडियबल हेलनिक ग्रेको रोमन रेनेसा फोर्थ हेलेनिक मेडियबल ग्रेको रोमन रेनेसा करेक्ट आंसर फर्स्ट होता है इसका हेलनिक ग्रेको रोमन मेडेबल रिनेसा इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्टी नाइन हु कॉल डन एंड हिज फॉलोवर्स द मेटाफिजिकल पोइट्स सॉरी फॉलोवर्स है तो किसने डन को और उसके फॉलोवर्स को मेटाफिजिकल पोइट्स कहा है फर्स्ट है जॉनसन सेकेंड है मिल्टन थर्ड है जॉनसन फोर्थ है ड्राइडन करेक्ट आंसर इज फर्स्ट जॉनसन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्टी हु क्वाइंट द फ्रेज इगोटिस्टिकल सबलाइम ये जो इगोटिस्टिकल सबलाइम है फ्रेस किसके द्वारा क्वाइंट आउट किया गया था फर्स्ट है लॉन्जीनस सेकंड है विलियम वर्सवर्थ थर्ड है जॉन कीट्स फोर्थ है मैथ्यू आलनोड करेक्ट आंसर इज सी जॉन कीट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्टी वन हु डिफाइंस मेटाफर एज द फर्स्ट ऑफ हिज सेवन टाइप्स ऑफ एम्बिगुटी किसने मेटाफर को डिस्क्राइब किया है कि उसके सेवन टाइप्स में कि फर्स्ट एम्बिगुटी है फर्स्ट है क्लिन ब्रूक सेकेंड है विलियम एम्पसन थर्ड है एफ आर लेविस फोर्थ है आई ए रिचर्ड्स करेक्ट आंसर बी है विलियम एम्पसन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्टी टू द सेवन लाइन स्टेंजर यूज बाई मेडिवल पोएट इज नोन एज मेडिवल पोएट के द्वारा एक सेवन लाइन स्टेंजर यूज़ किया गया था आपको बताना है कि सेवन लाइन स्टेंजर को हम क्या कहते हैं फर्स्ट है टर्जा रीमा इसमें तीन लाइन होती हैं सेकेंड है, है राइम रॉयल और थर्ड है टेटरा रीमा फोर्थ है इंटरनल राइम करेक्ट आंसर इसका बी है राइम रॉयल में सेवन लाइन्स होती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फोर्टी थ्री द फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ अ टाइपिकल शेक्सपीरियन सोनेट शेक्सपीरियन सोनेट का स्ट्रक्चर क्या होता है फर्स्ट है एन ऑक्टेब एन अ सेस्टेड सेकेंड है थ्री क्वाटरन एन अ कपलेट थर्ड है एन ओक्टेब क्वाटर एन कपलेट फोर्थ है कपलेट फॉलोड बाई थ्री क्वार्टर करेक्ट आंसर इसका बी होगा थ्री क्वाट्रेन एन अ कपलेट ये होता है शेक्सपीरियन सोनेट का और जो फर्स्ट है ये पेट्रार्कन सोनेट का जो स्ट्रक्चर होता है ओक्टेब और सेस्टेड नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्टी फोर हाउ मैनी लाइन्स डज द बैलेट मेटर ट्रेडिशनली कंसिस्ट ये कहना चाहते हैं जनरली जो बैलेट होता है उसमें कितनी लाइन्स का स्टेंजा होता है फर्स्ट है थ्री फोर सिक्स एट ये आंसर इसका हो जाएगा बी फोर होती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोटी फाइव वाट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टाइप ऑफ पोएम्स विच हैज़ बीन अराउंड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ये कहना चाहते हैं पोएम्स का कौन सा एक टाइप है जो कि बहुत बड़ा होता है और हज़ारों साल से वो प्रचलन में है फर्स्ट है एलिजी जी सेकेंड एपिक पोएम थर्ड है फ्री वर्स फोर्थ है बैलेट करेक्ट आंसर इज भी एक एपिक पोएम होता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्टी सिक्स कैरेक्टर इन अरिस्टोटल्स मीन्स अरिस्टोटल के मतलब करेक्टर को क्या कहना चाहते हैं या करेक्टर से क्या कहना चाहते हैं अरिस्टोटल फर्स्ट है ड्रामेटिक परसोना सेकेंड है द टेंडेंसी ऑफ हैबिट ऑफ माइंड विच इज़ रिवील्ड थ्रू द स्पीच एंड एक्शन ऑफ ड्रामेटिक परसोनेस फोर्थ है नेचर प्लॉट राइजिक और कॉमिक फोर्थ है नन ऑफ द अब करेक्ट आंसर बी होता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्टी सेवन ड्राइडन ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोयजी केम आउट इन ड्राइडन का जो ऐसे होता है ड्रामेटिक पोइजी वो कब पब्लिश हुआ था फर्स्ट है सिक्सटीन फोर्टी एट सेकेंड थर्ड है सिक्सटीन फिफ्टी एट फोर्थ है सिक्सटी सेवेंटी एट करेक्ट आंसर बी है सिक्सटीन सिक्सटी एट नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्टी एट हाउ मैनी लिटरेरी बायोग्राफीज आर लिस्टेड इन जॉनसंस लाइफ ऑफ पोएम्स ये जो जॉनसंस की लाइफ्स ऑफ पोइट्स है या बायोग्राफीज़ का कलेक्शन है तो कितने पॉइंट्स की बायोग्राफी है फर्स्ट है फोर्टी टू सेकेंड है सिक्सटी टू थर्ड है फिफ्टी टू फोर्थ है सेवेंटी टू करेक्ट आंसर इसका सी है फिफ्टी टू पॉइंट्स की लाइफ की बायोग्राफी का कलेक्शन है नेक्स्ट है फिफ्टी नाइन विच आर द फॉलोइंग डिड क्वालिटीज़ रिगार्ड एज मोस्ट पावरफुल क्वालिटीज़ किस चीज़ को मोस्ट पावरफुल मांगते हैं चार में से मानते हैं फर्स्ट है फैंसी सेकेंड है इमेजिनेशन थर्ड है मेमोरी फोर्थ है इंस्पिरेशन करेक्ट आंसर बी है इमेजिनेशन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फिफ्टी इन विस वर्क डिड वर्सवत गिव हिज थेरी ऑफ पोएट्री वर्सवत ने किस वर्क में अपनी पोएट्री की थेरी को दिया था फर्स्ट है द प्रिलूट सेकंड है एक्सकर्शन थर्ड है द प्रिफेस ऑफ लिरिकल बैलेट फोर्थ है नन ऑफ करेक्ट आंसर सी होता है द प्रिफेस ऑफ लिरिकल बैलेट नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्टी वन ही इज ही इज विद शेक्सपियर अबाउट होम डिड आर नोड से सो ये कहना चाहते हैं किसको कंपेयर किया है आर्नोल्ड ने शेक्सपियर से तो फर्स्ट है वर्सवत सेकंड है शेले थर्ड है कीट्स फोर्थ है बैरन सही आंसर इसका सी होता है कीट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्टी टू हु ओपिनियन दैट द एंड ऑफ क्रिस इज द एलुसिडेशन ऑफ वर्क्स ऑफ आर्ट एंड द करेक्शन ऑफ टेस्ट ये किसकी ओपिनियन था आपको बताना है फर्स्ट है मैथ्यू आरनोड सेकेंड है टी एस सिलियट थर्ड है जे डब्ल्यू ए एडकिज फोर्थ है एडम गोस करेक्ट आंसर इसका बी है टी एस इलियट नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्टी थ्री पॉलिटिक्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज रिटन बाय ये जो पॉलिटिक्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज है किसके द्वारा लिखा गया था फर्स्ट है जॉर्ज औरवेल सेकेंड है मैथ्यू आर्नोल्ड थर्ड है ब्राउनिंग फोर्थ है लूथर करेक्ट आंसर इसका ए है जॉर्ज औरवेल नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्टी फोर द प्रिंसिपल मे सेंक्शन योर लीव टूडे ग्रामर का क्वेश्चन है इसको पैसे में बनाना है तो द प्रिंसिपल में योर लीव टू डे योर लीव में बी सेंक्शन बाई प्रिंसिपल तो किस में मैच का था योर लीव में सेंक्शन बाई द प्रिंसिपल डी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है नरेशन का है इफ़ आई हैड द इंस्ट्रक्शन मैनूअल आई वुड नो आई वुड नो दैट आई वुड नो वाट टू डू सेट द मैसेंजर तो इसका क्या बनेगा सेट द मैसेंजर सेट दैट इफ़ यू हैड द इंस्ट्रक्शन मैनुअल ही वुड नो वाट टू डू इसका भी सही हो जाएगा ठीक है बाकी यहाँ पे हाइडेड आ गया रॉन्ग हो गया और इसमें वेदर आ गया जो उसमें इफ़ है तो वेदर नहीं आएगा इफ ही हैड और उसके बाद में ही वुड नो मैसेंजर सेड यहाँ पे है तो डी वाले में अगर देखते हैं तो डी वाज द मैसेंजर सेड इफ़ ही हैड द इंस्ट्रक्शन इसमें ई द इंस्ट्रक्शन मैनुअल ही वुड नो वॉट टू डू अच्छा एक मिनट डी वाला और बी वाला सेम लग रहा है बी वाले में द मैसेंजर सेड इफ ही हैड द इंस्ट्रक्शन मैनुअल ही वुड नो वट टू डू और डी है द मैसेंजर सेड इफ आई हैड अच्छा है यहाँ पे देखा आई का प्रयोग किया गया इसलिए नहीं हो सकता है तो इसका बी सही आंसर होगा नेक्स्ट है फिफ्टी सिक्स इट इज टाइम टू शट द शॉप तो इट इज़ टाइम फॉर शॉप टू बी शट किस में मैच कर रहा है इट इज टाइम फॉर शॉप टू बी शट यानी कि डी सही आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन इज 57 है आपको बताना इसमें बेस्ट एक्सप्रेशन यानी कि आपको सिनेिम बताना है कॉमरेड माने दोस्त होता है कॉमरेडी उसका नाउन हो जाएगा तो फ्रेंडलीनेस ये भी एक नाउन हो गया 58 में आपको बताना है अवाउच के माने होता है अफर्म करना होता है ठीक है राजन एम्प्लॉयड माई फ्रेंड ओनली वेन आई एग्रीड टू फॉर हीज ऑनेस्टी तो अफर्म माने होता है यानी कि अप्रूव अप्रूव करना कोई चीज़ तो इसका आंसर हो जाएगा बी नेक्स्ट क्वेश्चन इज 59 नाइन दे न्यू बाई हिज सोफोमिक रिमार्क्स दैट ही वॉज स्टिल नेब इन द फील्ड नेब माने नोसिखिया होता है सोफोमोरिक माने होता है इमिच्योर सिनानी बताना है तो डी हो जाएगा इसका सिक्सटी है द श बिकॉज ही वॉज लेचरस लेचरस माने होता है कामुक व्यक्ति होता है तो लस्टफुल माने भी यही मीनिंग होता है हो जाएगा इसकी मीनिंग ए और नेक्स्ट है सिक्सटी वन इंसेसेंट इंसेसेंट की मीनिंग होती है लगातार इंसेसेंट रेंस बाढ़ आ गई इसका एंटनिम बताना है ओकेजनल माने कभी कभार होता है ये इसका एंटेम हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है और 62 में आपको जो है क्या करना है अरेंज करना है तो अरेंज करते समय इसमें देखो द नॉलेज ऑफ सो फार अवेलेबल अबाउट द इनडोक्ट्राइन ग्लैंड इज वेरी लिमिटेड नेचर हैज प्रोवाइडेड द बॉडी विद प्रॉपर रेगुलेटर एंड प्रोटेक्टर्स दीज और आवर इन डॉक्टर ग्लैंड एंड सो द प्रॉपर इसमें देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन आपका आएगा वो सबसे पहले बी आएगा बी जब लगाएंगे तो नेचर हैज़ प्रोवाइडेड द बॉडी विद प्रॉपर रेगुलेटर एंड प्रोटेक्टर और बी के बाद में डी लगाएंगे एंड लगाते हैं एंड सो द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ दीज कंट्रोल ऑफ आवर बॉडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट वाइटल फॉर हेल्थ हो जाएगा उसके बाद में सी लगाएंगे और सी होगा दीज आर आवर इन डॉक्ट्रिन ग्लैंड होती हैं उसके बाद में ए आ जाएगा द नॉलेज ऑफ सो सोफर अवेलेबल अबाउट द इन डॉक्टिन ग्लैंड इज वेरी लिमिटेड और ए के बाद में ई हो जाएगा हाउ एवर ऑल द मेडिकल साइंसेज हैव एक्सेप्टेड द फैक्ट दैट दीज इन डॉक्टिन ग्लैंड सी क्रिएट थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स डायरेक्टली फ्रॉम और ब्लड यानी बी इसका सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्सटी थ्री द गॉट मैरिड तो गॉट मैरिड किस एज में उन्होंने शादी की थी तो इसका सही प्रिपरेशन कौन सा होगा ऐट होगा एट सेवनटीन सत्रह साल के की एज में टू कम अक्रॉस की मीनिंग होती है अचानक मिलना फर्स्ट है चैलेंज सेकंड है पास थर्ड है मीट तो ये सी हो जाएगा इसकी मीनिंग कम अक्रॉस रन अक्रॉस दोनों की मीनिंग होती है अचानक मिलना नेक्स्ट है सिक्सटी फाइव वन हु लुक्स एट एवरी फ्रॉम द पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू इज़ नोन हर चीज़ को पर्सनली लेता ले है या पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है उसको हम क्या बोलते हैं इगोसेंट्रिक होता है ईगो सेंटिंग माने तो ईगो का पागलपन साइडिस्ट माने होता है दूसरों को दुख देकर सुख का महसूस करने वाला क्विक स्टोटिंग माने अव्यवहारिक हो जाएगा कंप्लेसेंट माने होता है संतुष्ट होता है तो इसका ए सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है सिक्सटी सिक्स रिपीटेशन ऑफ कंजंक्शन इन अ क्लोज सक्सेशन एज इन द सेंटेंस वी हैव शिप्स इसके बाद एंड आ गया मेन फिर एंड आ गया मनी फिर एंड आ गया ऐसे ही कंजंक्शन का रिपीटेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं फर्स्ट है पोली पटोटोन सेकेंड है पोली केमेटिस्ट थर्ड है पोली सिंडेटोन फोर्थ है पोलीफोनिक्स ये आंसर इसका सी होता है पोली सिंडेटोन कहते हैं जब कंजंक्शंस का रिपीटेशन होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्सटी सेवन ही इज लास्ट कैंडिडेट टू बी इंट्रीब्यूट आपको पता है कि जो लास्ट है ये सुपरलेटिव डिग्री है लेट लेट ये दो कंपेरेटिव होते हैं लेटर लेटर सुपरलेटिव में लेटेस्ट लास्ट तो लास्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द आता है तो बी इज़ द राइट आंसर सिक्सटी एट है द करेक्ट स्पेलिंग इज करेक्ट स्पेलिंग इसकी कौन सी आप चेक करेंगे तो इसका डी करेक्ट स्पेलिंग है रेमनीसेंट और सिक्सटी नाइन है मी आ ब्रेड की बात करते हैं इस पीस माने शांति होता है होगा नहीं प्लीज़ माने खुश होता है ये पीस माने टुकड़ा होता है तो बी इज़ द राइट आंसर ये ब्रेड की पीस की बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवेंटी द टर्म आ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस इज ड्राइव फ्रॉम राइटिंग ये जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस है ये किसकी राइटिंग से लिया गया है फर्स्ट है मैरी सिंक्लेर सेकंड है द्रोथी रिचर्डसन थर्ड है विलियम जेम्स फोर्थ है जेटरूट स्टीन करेक्ट आंसर इसका सी है विलियम जेम्स इन्होंने यूज़ किया था इस टर्म को प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवेंटी वन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट आज नाइनटीन सेंचुरी मेलो ड्रामा इसमें का कौन सा एक वर्क है जो कि नाइनटीन सेंचुरी का ड्रामा नहीं है फर्स्ट है मिलर एंड हिज मैन सेकंड है पिंग थर्ड है ब्रोकन सोआट फोर्थ है द वोड्स मैंस हर्ट सही आंसर इसका बी होता है पिंग मेलियन नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवेंटी टू विच ऑफ़ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड इसमें का कौन सा एक वर्ड है जिसकी स्पेलिंग सही नहीं है फर्स्ट है कन्वीनियंस सेकंड है याच थर्ड है इंडिस्पेंसेबल फोर्थ है कॉन्शियसनेस तो इसके स्थान पे सी होना चाहिए डी का स्पेलिंग सही नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवेंटी थ्री गिव वन वर्ड फॉर द एक्सप्रेशन हार्ड टू प्लीज जिसको खुश करना मुश्किल हो उसको हम बोलते हैं फास्टिडियस ठीक है ब्रिटल माने भंगुर होता है जल्दी टूट जाए इरिवोकेबल बल जिसके रिपेयर नहीं किया जा सके और पर साबित कदम होता है नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंटी फोर अच्छा इ रिवोकेबल माने जिसको कैंसिल नहीं कर सके रिवोक से बना है नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंटी फोर है इन विच पोएम डेट चौसर यूज हेरोइन कपलेट फॉर द फर्स्ट टाइम सबसे पहले चौसर ने हेरोइन कपलेट का प्रयोग कहाँ किया था फर्स्ट है टॉयलेस एंड क्रिसेडा सेकंड है द लीजेंड ऑफ गुड वीमेन थर्ड है कंटरी टेल्स फॉर्थ हाउस ऑफ फेम्स ये आंसर बी होता है द लीजेंड ऑफ गुड वेमेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवेंटी फाइव विच फ्लावर डस चौसर ड्रीम अबाउट इन द लीजेंड ऑफ गुड वेमेन लीजेंड ऑफ गुड वेमेन में चौसर ने कौन से फ्लावर के बारे में स्वप्न देखा था ड्रीम देखा था फर्स्ट है डेजी सेकेंड है रोज थर्ड है टूलिप फोर्थ है डाइफोडिल करेक्ट आंसर ए होता है डेजी नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवेंटी सिक्स वाट काइंड ऑफ करेक्टर जनरली सिंग इन शेक्सपियर्स प्ले जो शेक्सपियर के प्ले होते हैं उसमें जनरली किस प्रकार के किस प्रकार के कैरेक्टर होते हैं जो गाते हैं फर्स्ट है किंग्स एंड क्वींस सेकंड है सर्वेंट्स क्लाउंस फोल्स एंड अदर माइनर कैरेक्टर्स विद द लो स्टेटस थर्ड है फेरीज फोर्थ है नोबल मैन सही आंसर इसका बी होता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवेंटी सेवन इन एज यू लाइक इट हु सेड टू होम द फॉलोइंग लाइन ये जो प्ले इनका है एज यू लाइक इट उसमें कौन सा व्यक्ति ये लाइन को बोलता है और किससे बोलता है